जी भाई, तो राम राम सारो। तो मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी भाई। भाई देखो, अभी मतलब शुभ भाई का बहुत ज़्यादा वो कंट्रोवर्सी का सीन चल रहा है, तो जो भी चल रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, ना मैं उस पर कोई कमेंट करूँगा ना कुछ। बट भाई मेरे को क्यों बीच में घसीट रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि भाई अभी मेरे मुश्किल से मुश्किल 20 सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए, 500 600 कहीं भी वो आ गए होंगे एक वीडियो पे। भाई अभी से मेरे को गालियाँ देनी शुरू कर दी कि भाई तू कंट्रोवर्सी में बीच में आ रहा है, तू स्टोरी डाल रहा है, तू ये कर रहा है। भाई कितने ज़्यादा वेले हो यार, हद से। मैं क्यों भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ, इन्फॉर्मेटिव बना के डाल देता हूँ, मेरे को उससे ऊपर मतलब नहीं है, मैं सिर्फ अपनी लाइफ दिखा रहा हूँ। तो भाई थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ। मतलब मैं दिन में भी, अब रात के 2 बजे हैं भाई, मैं काम पर जा रहा हूँ, मेरी टीम की ड्रेस है, और 15 मिनट तक काम पे निकल जाऊँगा। नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट दोनों, 4 जगह 3 जगह मेरी जॉब है, 3 जगह काम करता हूँ, पर कहाँ टाइम है भाई इन सब चीज़ों का? मुश्किल से मैं अपने व्लॉग्स बना के छोटे छोटे एडिटिंग भी घटिया सी करके डाल रहा हूँ, क्या बोलूँ भाई। और भाई बात रही दूसरी कंट्रोवर्सी में बीच में आने की, भाई मैं नहीं आ रहा ना, मेरे को कोई मतलब। अब बाकी भाई अगर तुम इतने ज़्यादा वेले हो लिटरली, कि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा वेला टाइम है कि तुम मेरे को इंस्टा पे स्टॉक कर रहे हो जबरदस्ती, कि मेरी एडिटिंग बना रहे हो कि हाँ भाई इसने ये डाल दियो, भाई मेरे 20 सब्सक्राइबर पे अगर मुझे गाली पड़ सकते हो, शुभ भाई तो नेक्स्ट लेवल है। चिल करो भाई सारे, किसी का कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कंट्रोवर्सी चलेगी उस भाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सीख गुड्डी सीख रहा तो जट दी, वो ऊपर ही रहेगी। तो ब्रो वेले हो भाई, करो मैं करूँ और गालियाँ दो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे कमेंटों में मेरी वो बढ़ रही है भाई, एंगेजमेंट आ रही है वीडियो की। लगे रहो भाई, गुड जॉब, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।